पूजनीय संत समाज, सम्माननीय धर्म प्रेमी भाइयों एवं श्रद्धामती माता बहनों, एक बहुत पुरानी कहानी आप लोगों के बीच कहूं। एक मछुआरा था, सुबह भोर सूर्य को निकल सूर्य निकलने में भी देरी थी और वो घर से निकलकर नदी किनारे पहुंच गया, अपना जाल लिया और नदी के तट पहुंच गया। सूर्योदय में अभी देरी थी, विलंब था, जा रहा था। इतने में हुआ क्या, उनका पैर नीचे टकराया और जब टकराया तो नीचे झुक कर देखा, एक थैला जो पत्थरों से भरा हुआ था उसने उठा लिया, उसको किनारे बैठ गया और इंतजार करने लगा कि सूर्य का प्रकाश आ जाए, जाल मैं नदी में फेंकूं, डालूं और मछली पकड़ूं। लेकिन ये बीच का जो समय था, बैठ करके झोले में देखा कि इसमें पत्थर है, एक पत्थर उठाता और नदी में फेंक देता। सुबह सन्नाटा था, शांत वातावरण था, तो जैसे ही वो पत्थर पानी में गिरता एक छपाक की आवाज आती। कभी आप लोग भी अनुभव किए होंगे, कंकड़ पत्थर फेंक करके पानी में और सुबह उसकी आवाज उनको अच्छी लगी। दूसरा फेंका, तीसरा फेंका, चौथा फेंका, फेंकता ही गया और इसमें समय लगता गया। इसी बीच सूर्य की किरणें भी आने लगी। बैठ जाओ। सूर्य की किरणें आ रही थी, बिल्कुल सुबह आभा। अंतिम उसके हाथ में अंतिम पत्थर था, उसके हाथ में उठाया, फेंकने ही वाला था, क्योंकि सूर्य की रोशनी आ चुकी थी और फेंकने के लिए बिल्कुल सामने रखा था, आंख से वो दिखाई भी देने लगी थी। और उस अंतिम पत्थर को देखते ही उनकी हृदय की धड़कन बढ़ गई, सांस थम गई। उसने कहा, उफ, ये मैंने क्या किया। वस्तुतः वो पत्थर नहीं थे, हीरे जवाहरात थे। बहुत रोया। इतनी संपदा मिली थी, अनंत अनंत जन्मों तक मैं इसे काम में लेकर के जीवन जी सकता था, लेकिन सब मैंने फेंक दिया अंधेरे में। सब अंतिम पत्थर बचा था। मैं तो समझता हूं इसके बावजूद वो मछुआरा सौभाग्यशाली था, अंतिम बचा और वही उनके लिए बहुत था, कम नहीं था। हम सब भी एक जीवन की संपदा लेकर के चल रहे हैं और इस संपदा को जो हीरे जवाहरात से भी बढ़कर है, इसे हम फेंक रहे हैं, क्योंकि दिखाई नहीं दे रहा है अंधेरे में। अज्ञान रूपी अंधेरे में हम अपनी जीवन की संपदा को लुटा रहे हैं। कितना मूल्यवान है। संतों से सुने होंगे, सदग्रंथ में पढ़े भी होंगे कि मनुष्य का जीवन कितना मूल्यवान है। ये बार बार मिलने वाला नहीं। गुरुदेव जी ने पंक्ति लिखी भी है, बार बार न पाइए मानुष जन्म का मौज। सदगुरु कबीर की पंक्ति है, मानुष जन्म दुर्लभ है, बहुर न दूजी बार, पक्का फल जो गिर परा बहुर न लागे डार। दुर्लभ है, गोस्वामी तुलसीदास जी की भी पंक्ति है, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा।
ये हम सबको मिला है, क्या उपयोग कर रहे हैं? क्या सचमुच इससे जो काम लेना चाहिए क्या वह ले पा रहे हैं? गुरुदेव जी के प्रवचन आपके गांव में हुए हैं, अच्छी तरह जानते हैं, सदगुरु श्री अभिलाष साहब जी के विचारों से अवगत हैं, बहुत लोग करीब से उनको मिले, बातचीत किए, यहाँ कई बार सुने हैं। वे प्रायः प्रवचन में एक बात पूछा करते थे, आप लोग भी सुने होंगे, क्यों कमाते हो? खाने के लिए। क्यों खाते हो? जीने के लिए। क्यों जीते हो? पता नहीं है ना। ऐसे एक बार एक संत ने पूछा तो सभा में बैठा एक व्यक्ति थोड़ा सा मुखर था, उसने कहा मर नहीं रहे इसलिए जी रहे हैं। क्या कहा? मर नहीं रहे इसलिए जी रहे हैं। क्या लगता है ये सच है? क्या जीवन का उद्देश्य मृत्यु का इंतजारी पर है? मृत्यु आए नहीं, आप मृत्यु को चाहो मत, वो तो अपने आप आने वाली है। मृत्यु अपने आप आने वाली है और मृत्यु के आने से आपका कोई फायदा होने वाला नहीं है, ये आप ध्यान दो। जन्म और मृत्यु ये दोनों को ध्यान में दें। एक समय था जब हमारा जन्म हुआ है और एक समय आएगा जब हमारी मृत्यु होगी। जन्म के समय हम स्वतंत्र नहीं थे, मृत्यु के समय भी हम स्वतंत्र नहीं हैं। अर्थात कहां जन्मेंगे, कब जन्मेंगे, ये हमने चुनाव तो किया नहीं। हमें अमुक देश के अमुक प्रांत के अमुक गांव में अमुक माँ के कोख में ही भेजना, कोई नहीं चुनाव किए। आगे वो उसमें कोई चुनाव की बात नहीं, कोई हमारा निर्णय नहीं था, कोई प्रयत्न नहीं था, तो जन्म हो गया, हम कुछ कर नहीं सकते थे। मृत्यु की भी यही बात है, जब कहां मरेंगे, कब मरेंगे, ये हम नहीं जानते, ये हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन हम कैसे जिएंगे ये हमारे हाथ में है। इसलिए जन्म का महत्व नहीं है, मृत्यु का भी महत्व नहीं है, महत्व है जीवन का। न अतीत न भविष्य, न पास्ट न फ्यूचर, क्यों? वो हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन आप यदि वर्तमान जीवन को सही तरीके से जीते हैं तो आपका जन्म भी सार्थक हो जाता है और आपकी मृत्यु भी सार्थक हो जाती है। जैसे जिनको हम सफल कहते हैं, बुद्ध हो, महावीर हो, कबीर हो, नानक हो, ईसा हो, मोहम्मद हो, कोई भी नाम ले लो और भी, हम क्या कहेंगे? उनका जन्म सार्थक हुआ, मृत्यु सार्थक हुई? क्यों? ये कब हो पाई? जन्म के समय कोई ऐसी बात नहीं थी, लेकिन उन्होंने जीवन को ही ऐसा बनाया, जीवन को ही ऐसा जिया कि उनका जन्म भी सार्थक हो गया। और चूंकि जीवन सार्थक है इसलिए उसकी मृत्यु भी सार्थक है। हम सबको ये ध्यान देना है, मृत्यु की प्रतीक्षा नहीं करनी है, वो तो अपने आप आने वाली है, उसके लिए कोई प्रयत्न की जरूरत नहीं है। असली चीज जो संपदा मिली है जीवन, उसका मतलब है अपने आप जो मिलता है, जिसे आप कमा के पाते हैं, कमा के अर्जित करते हैं, उसे फसल कहते हैं। और जो अपने आप होता है ना, उसे आप लोग खरपतवार कहते हैं। खरपतवार के लिए कमाई की जरूरत है नहीं, लेकिन फसल के लिए परिश्रम की जरूरत है, क्योंकि आपने मेहनत की है। इसी प्रकार जब आप जीवन में कुछ निर्मित करेंगे, जीवन को इस ढंग से पाएंगे जिससे सचमुच जीवन की सार्थकता महसूस हो, क्योंकि आपने कमाया है, तो क्या होगा? वही असली चीज है, वो आपके काम की है,
जैसे जो आप खेत में बोते हैं, सींचते हैं, कमाते हैं, फिर पाते हैं, वो आपके काम की होती है। घास अपने आप आई है, वो आपके काम की नहीं है, बल्कि आने पर तो उसका आपको निकालना पड़ता है, हटाना पड़ता है। ऐसे ही है, मौत अपने आप आ गई, उससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। फायदा कब होगा? जब आप अपने जीवन में मेहनत करें, ऐसा जीवन निर्मित करें जिससे जीवन सार्थक हो जाए, जिससे जीवन देख करके लगे कि जीने लायक है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। हम सभी बहुत सारे विषयों की जानकारी तो रख लेते हैं, लेकिन जीवन के संबंध में हम जानकारी नहीं रखते, और ऐसे ऐसे प्रश्नों में, ऐसे ऐसे कार्यों में उलझे रहते हैं। सच कहूं ना, उसमें जीवन की आवश्यकता ही नहीं है। जिसमें आप अपने जीवन को लगा रहे हैं, अर्थात जीवन की संपदा लगा रहे हैं, मैं इसको थोड़ा सा इस ढंग से कहूं, आप अपना समय कहां लगाते हैं? अभी पिछले गांव में था साजा, तो एक कन्या हाई स्कूल में जा करके बोलने का अवसर मिला। वहाँ के जो प्राचार्य थे उन्हीं के घर निवास था, उन्होंने कहा कि आपको बच्चों के बीच जा करके बोलना है। तो फिर स्कूली बच्चे सब लड़कियाँ बैठी थी, बोला, बीच में एक बात आई, मैंने कहा आप समय को बर्बाद न करें। फिर मैंने पूछा, अच्छा समय किसे कहते हैं, समय की परिभाषा बताओ। बहुत मुश्किल है ना। अच्छा बच्चे इसलिए नहीं बता पाते क्योंकि कुछ पढ़ाया नहीं गया है, जाने ही नहीं गया समय किसे कहते हैं। देखो बहुत सारी परिभाषाएं मैंने पढ़ी है समय के विषय में, लेकिन ये जो जो मुझे बहुत पसंद है, समय का मतलब है जिंदगी, सीधी सी बात है। फिर मैंने कहा कि कागज ले लो, एक तरफ लिख लो समय, इक्वल का चिन्ह दे दो, बराबर का, और आगे लिख दो जिंदगी, समय अर्थात जिंदगी। समय माने क्या हुआ? जिंदगी। इसका मतलब है जहां जहां आप समय देते हैं वहां वहां आप अपनी जिंदगी देते हैं। यहां आप सत्संग के लिए एक घंटे का समय दिए, दो घंटे का समय दिए, तो समय दिए तो आप अपने जीवन को भी तो दिए। ऐसे थोड़ी कि आपने समय दिया जिंदगी कहीं अलग है, आपने समय ही नहीं अपनी जिंदगी भी दिए। और इसका अर्थ यह है, जब जब आप अपने समय का सही उपयोग करते हैं, सदुपयोग करते हैं, तो आप अपनी जिंदगी का सही उपयोग करते हैं, और जब आप समय का समय को बर्बाद करते हैं तो आप अपने जीवन को ही बर्बाद करते हैं। कहां लगा रहे हैं? देखिए, जीवन गुजर के लिए हमें मेहनत करनी होगी, ये सच है, वो गलत नहीं है कि आप अपने व्यवसाय में अपने अर्जन जहां करते हैं, जहां आपको धन कमाना है वहां जाएं, अवश्य जाएं, समय दें, लेकिन क्या उसके अलावा जो आप समय देते हैं उसका विश्लेषण करते हैं, उसका हिसाब किताब रखते हैं, तो पता चल जाएगा। सुबह से शाम तक आप अपनी दैनंदिनी को झांकें, आप अपने सुबह से शाम तक का जो टाइम टेबल है, गतिविधि है, जो भी क्रियाकलाप है, आप कहीं उसको लिखने लग गए ना, आंखें खुल जाएगी। जो हम लोग बहाना बनाते हैं ना, मुझे समय नहीं मिलता ध्यान के लिए, समय नहीं मिलता स्वाध्याय के लिए, यहां तक के कहेंगे मुझे तो व्यायाम के लिए भी समय नहीं मिलता है ना? अपने लिए हम समय नहीं निकाल पाते। जब आप देखेंगे ना आपका समय कहां जाया हो रहा है, आपको पता चल जाएगा, और जहां आप समय देते हैं वहीं से आपका भविष्य आता है। तब आप देखेंगे बहुत सारा समय जिसका हम उपयोग ही नहीं करते। अच्छा उपयोग करते हैं तो दुरुपयोग करते हैं। अच्छा ऐसा दुरुपयोग करते हैं कि जो हमारा सही समय है उसको भी बर्बाद कर दे।
मैं क्या कहना चाहता हूँ थोड़ा स्पष्ट कर दूं आपके सामने। हमारे पास जो समय बचता है काम धाम के अलावा, उस समय का ऐसी जगह उपयोग करते हैं कि और ऐसी चीज ग्रहण कर लेते हैं जो हमारे वास्तविक समय को भी बर्बाद करे। ऐसा हम करते हैं, जैसे आपके पास में खाली समय मिला और आपने क्या किया, टीवी ऑन किया और उसमें बहुत सारे चैनल बदले और उसमें बहुत सारे कार्यक्रम देख रहे हैं और किसी कार्यक्रम में आपका मन अटका, देखने के लिए मन कर गया, देख रहे हैं। कभी सोचा है उसको हमने क्या देख रहा है, हम उसमें क्या अंदर डाल रहे हैं? ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। आप अंदर क्या कर रहे हैं, इनपुट क्या है, जो इनपुट होगा ना वही आउटपुट होगा। ये कंप्यूटर वालों का नियम है ना, वो कहावत है उन लोगों के लिए, गार्बेज इन गार्बेज आउट। कचड़ा अंदर डालोगे तो कचड़ा बाहर आएगा। क्या डाल रहे हैं अब? अच्छा, धारावाहिक के नाम से बहुत सारे सीरियल पारिवारिक और क्या क्या चलते हैं, धार्मिक और बहुत और भी जो पुराने जो वीर लोग हैं उनके बारे में धारावाहिक बनाए हैं, देखते लगते हैं। कभी आप देखेंगे तो लगेगा लड़ाई झगड़ा मार काट छल कपट प्रपंच यही तो होता है। वो उसके लिए छल कपट कर रहा है, उसको धोखा दे रहा है, वहां लड़ाई वहां झगड़ा वहां मार काट, ये सारी चीजें आप अंदर डाले जा रहे हैं। क्या होगा फिर अंदर डालने पर? जो अंदर आप डालेंगे आप क्या समझ रहे हैं, छुट्टी पा गए। अच्छा एक बात बताऊं, आप भोजन करते हैं, अच्छा भोजन कर समय ध्यान नहीं दे कुछ भी डाल दिए, आप क्या समझते छुट्टी मिल गई? गले के नीचे डाले और छुट्टी पा गए, काम खत्म। अरे काम नहीं, गले के नीचे ही तो शुरू होगी अब काम, वही तो काम शुरू होगा। उसके बाद क्या डाले हैं आप, सही है ना? असली काम कब होगा, वहीं से नीचे क्या डाले हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि गलत चीज डाल दिए हों, वो आपको कितना नुकसान पहुंचाता है। ऐसे ही है वो भी, आपने सोचा कुछ भी देखे कुछ भी सुन लिए, नहीं, जो गया भीतर वहां उसका प्रोसेस होता है, कार्य होता है। जैसे भोजन जब आप करते हैं तो जो भी भोजन आप करते हैं पेट उसको डाइजेस्ट करता है, पचाता है, पचाता है ना, और उसी का तो रस बनता है। यदि गलत भोजन गया है तो रस कैसे होगा, गलत। यदि आपने सही सात्विक डाला है, सुपाच्य डाला है, स्वास्थ्य वर्धक भोजन डाला है तो फिर उसका रस वैसा ही बनेगा जो आपके शरीर और आपके मन के लिए फायदेमंद हो। वो चीज डाले वो आपके लिए फायदेमंद होगा। ऐसे ही आपने देख कर, आपने सुन कर, अब समय लगाए वहां देखिए उस चीज को, इतना समय लगाए और ऐसी चीज आप डाल दिए जिसके विषय में जब आप चिंतन करते हैं, होता क्या है, नियम है ये, जो हमारा चित्त का जो हमारा चित्त का विषय होता है वो हमारा चिंतन का विषय होता है। चित्त का जो विषय जो हमने डाल दिया, आप लोग सुने होंगे ना, देखे होंगे, सुनना सुनने की बात ही नहीं कहानी चाहिए। गाय है, भैंस है, बैल है, भोजन कर लेते हैं, बाद में पागुर मारते हैं, जुगाली करते हैं, करते हैं, चबाते हैं उस चीज को, जो डाले निकाले उसको फिर से पीसते हैं, उसको फिर से उसको चबा करके फिर अंदर डालते हैं। फिर आप क्या करते हैं, अंदर चला गया जो आपने दृश्य देखा, जो आपने सुना, वो क्या गया, अंदर गया। अंदर जाकर क्या कर रहा है, फिर उसको आप फिर से सोचते हैं। आप देखिए जब आप अकेले में होते हैं तो कौन सी बात याद आती है, जो आपने देखा, जो आपने सुना और उसी के बारे में आपका मन चलने लगा, उसी के अकॉर्डिंग चलने लग गया मन, और वही फिर कार्यक्रम, फिर मन वैसे ही बनता चला गया। यदि आपने गलत दृश्य देखा है तो आपका चिंतन भी गलत होता चला जाएगा, लेकिन सही किए हैं तब तो। मैं कह रहा था कि समय का उपयोग आप कहाँ किए, कितनी बड़ी संपदा मिली है हमको इस जीवन का, जीवन का उपयोग कैसे करना है। मैंने कहा समय दे रहे हैं आप, किन प्रश्नों में उलझे हुए हैं, किन वार्ताओं में उलझे हुए हैं आप,
जब उनको कहा जाता है चलो थोड़ा सा सत्संग में, अरे हम सब जानते हैं, क्या कहेंगे, हम सब पता है हमको सत्संग में जाने से क्या होता, क्या पता क्या बोलने वाले हैं। जो कह रहे हैं ना हमको सब पता है, उनका जीवन बता रहा है कि सचमुच उनको कुछ पता नहीं है, उनका जीवन ही बता रहा है ना, उनका जीवन, क्योंकि उनके जीवन को देखकर लगता है जीवन के विषय में कितने वो अंधे हैं, कैसे जी रहे हैं। और तभी तो दुख है, तभी तो अशांति है, तभी तो संघर्ष है, तभी तो गरीबी और बीमारी है। कौन बता रहा, आपका जीवन ही तो बता रहा है। ये सारी चीजें आप कहां से ला रहे हैं, आप जीवन में महसूस ही वही कर रहे हैं, ये कहां से आया, आपके द्वारा तो आया है, तो आप जीवन को जाने कैसे। यदि आप जीवन को, आप कहेंगे कैसे मैं जीवन को नहीं जानता हूं, इतने दिन से मैं जी रहा हूं, इतना इतनी सारी मैंने उपलब्धि की है, ये मैंने अनुभव किया है। अनुभव करना जीवन को जान लेना नहीं है। जैसे एक आदमी कार चलाए और कार चला करके दूर से आया हो, अब कार का चलाना तो जानता है, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि वो अंदर के यंत्र को बारे में, उसकी व्यवस्था के बारे में, कैसे काम करता है इसके बारे में भी जाने, वो तो नहीं जानता है। जैसे एक बच्चा है, लड़का है, वो बिजली का बटन दबाया और बल्ब जल गया और बुझाने से बुझ गया, मैं जानता हूँ बिजली के बारे में, क्योंकि मेरे बटन दबाने से बिजली जल जाती है और बटन दबाने से बिजली बुझ जाती है। क्या कहा जाएगा, बिजली के बारे में जानता है वो, कार चलाने वाला कार के बारे में जानता है, उसके गतिविधियों के बारे में। ऐसे ही हम जी रहे हैं और क्या मार रहे हैं, हम जीवन के बारे में जानते हैं। जानते तो फिर आपके जीवन में जो आप महसूस कर रहे हैं ना, वो कैसा होना चाहिए, ये प्रश्न पूछा करता हूं। और जहां भी सत्संग होता है प्रायः पूछ लिया करता हूं मैं, आप अच्छा जीवन जी रहे हैं या अच्छा जीवन नहीं जी रहे हैं, कैसे जानते हैं। देखो जीवन को जानते हैं ना, क्या पूछा मैं, आप अच्छा जीवन जी रहे हैं या अच्छा जीवन नहीं जी रहे हैं, कैसे जानते हैं। अच्छा आप कहेंगे मैं तो अच्छा जीवन जी रहा हूँ, अच्छा मैं क्या कह रहा हूँ, आप अच्छा जीवन नहीं जी रहे, अच्छा अच्छा जीवन जी रहे हैं, इसका मुझे बताइए, प्रमाणित करके बताइए क्या है उसका पैमाना क्या है, जीवन को परखने का पैमाना क्या है, किससे आप जीवन को आप विश्लेषण कर रहे हैं, किससे आप नाप रहे हैं कि मैं अच्छा जीवन जी रहा हूं, कौन है, मूल्यांकन का तरीका क्या है, ये हम जानना चाहते हैं। क्या है मूल्यांकन का तरीका, किसके आधार पर आप मूल्यांकन कर रहे हैं, है बहुत सरल, चूंकि हमने ध्यान नहीं दिया था। जैसे एक विद्यार्थी है, पढ़ा, मेहनत किया और परीक्षा हुई, रिजल्ट आया, फेल हो गया। किसी ने पूछा अरे फेल कैसे हो गए, उसने कहा मैंने बहुत मेहनत की थी, अच्छी सी पढ़ाई की थी और लिखा भी बढ़िया था। पूछने वाले क्या कहेगा, ये मत बता कि तुमने कितनी मेहनत की थी, तुम्हारा रिजल्ट बता रहा है, सही है ना। अब ये कहने से क्या फायदा है, मैंने बहुत मेहनत की थी, क्योंकि रिजल्ट बता रहा है कि सचमुच तुमने कितनी मेहनत की थी, सचमुच मेहनत की थी कि यूं ही आप दिखावा कर रहे थे। ऐसे ही हमारे जीवन में जो रिजल्ट आ रहा है डे बाय डे, प्रतिदिन कैसा रिजल्ट आ रहा है, सुबह से शाम तक कैसा रहा है जीवन में, क्या जीवन खुशियों में बीत रहा है, आनंद का अनुभव हो रहा है, सबके प्रति प्रेम का भाव जगता है, सहयोग का भाव जगता है, किसी की गलती पर क्षमा का भाव आ जाता है, करुणा का भाव जगता है, क्या आ रहा है। और आप अपने आप में भी अकेले होकर के प्रसन्न रहते हैं, बिना किसी के, बिना दूसरों का सहयोग पाए, न तो टीवी का, न पुस्तक का, न लोगों का, न मोबाइल का, कोई भी नहीं है, और उसके बावजूद आप अपने आप इतना खुश हैं, मस्त, अपने आप में आप खुश रह सकते हैं, करके देखना एक दिन पता चल जाएगा। कोई मिले ना आपको, किसी का आधार ना लीजिए, आपको क्या लगता है आप खुश रहेंगे, अंदर से जो भरा है ना वो उठेगा,
आप प्रयोग ही कर लीजिए, मेरे जीवन ही तो वही बताएगा ना, मेरे बताने से क्या होने वाला है, आप खुद अनुभव कर लीजिए उस चीज को। आप कमरे में 2-3 घंटे भी अकेले बैठ करके देख लें, जानते क्या निकलेगा, वो जो भरा जिसको मैंने कहा था रस, जो आपने रस डाला है ना वो बाहर आएगा। फिर रस का मतलब जो संस्कार जो आपने देखा सुना कहाँ है, आपके अंतस में मन में वो इकट्ठा है। किसी ने बहुत मन क्या है, किसी ने कहा मन क्या है, उन्होंने क्या उत्तर दिया, माइंड इज नथिंग बट कलेक्शन आर योर एक्सपीरियंसेस। मन कुछ नहीं है, अनुभवों का संग्रह है, अनुभवों का संग्रह है। यदि आपने नकारात्मक अनुभवों का संग्रह किया है तो क्या कहा जाएगा, यू आर निगेटिव पर्सन। और आपने सकारात्मक अनुभवों का संग्रह किया है तो क्या कहा जाएगा, पॉजिटिव। आप पर्सन है, वो कैसे पता चलता है, देखिए किसी आदमी के पास जाकर बैठो, किसी के पास जाकर बैठो और कुछ ही देर के बाद उनके मुंह से शिकायत शुरू हो जाएगा, कंप्लेन शुरू हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, अरे वो ऐसे हैं, वो ऐसे हैं। या तो अपने घर वालों के बारे में शिकायत करेगा, या गांव वालों के बारे में, या राजनेताओं के बारे में, या और शुरू स्टार्ट वहां से। थोड़ी देर तो चलो हालचाल पूछेंगे, कहो भैया कैसे, हाँ ठीक ठाक है, फिर बात खत्म। क्यों, अखबार पढ़ा है वो सब संग्रह है, टीवी में देखा है वो सब संग्रह है, और वो सब बड़बड़ बड़बड़ निकलने लगते हैं। कबीर साहब जी ने एक पंक्ति के बीजक में बात कही है, मन माया की कोठरी, तन संशय का कोट, विषहर मंत्र माने नहीं, काल सर्प की चोट। केवल इतना ही, इसी पंक्ति, एक ही पंक्ति पर हम ध्यान दें। मन क्या है, माया की कोठरी, गुरुदेव जी ने लिखा है इसमें व्याख्या में, आप पढ़ें कभी कि जैसे एक कमरा हो जिसमें बर्तन रखे हों, एक दूसरा कमरा है जिसमें गाय हो, एक तीसरा हो जिसमें बकरी हो। अच्छा कमरे को खोलेंगे आप तो क्या होगा, जिस कमरे में बकरी है वहां से भर 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 बकरी निकलेगी। अच्छा जहां गाय है वहां खोलेंगे, तब दरवाजा खोले वहां से गाय निकलेंगी। अच्छा जहां पर बर्तन है तो वहां बर्तन बर्तन निकलेंगे। हमारा मन कैसे, माया की कोठरी है जिसमें जैसे नींद खुली माया भर 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 निकलना शुरू, क्या यादें आने लगती है। आप सुबह कभी ऑब्जर्व किए हैं, कभी ध्यान दिए हैं, जैसे सुबह नींद खुली किन विचारों से मुलाकात होती है, आप ध्यान दें, जरा ध्यान देकर देखिए, ध्यान ही नहीं देते, मैं सच बताऊं तो जीवन के लिए सच बताऊं। और जब ध्यान नहीं देते ना, जीवन व्यतिरतीप होता चला जाता है, और तब परिणाम मन माफिक नहीं आता है। जहां आप ध्यान देंगे, जहां जहां ध्यान देंगे वहीं वहीं विकास होता चला जाएगा। देखिए केवल सत्संग सुनना आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं कि सत्संग सुन ले केवल, अब सत्संग का आयोजन किए हैं, आमंत्रित किए हैं, न जाए तो अच्छा नहीं है, क्योंकि बाद में कंप्लेन करेंगे आप सत्संग में क्यों नहीं आए। अच्छा चलो, अच्छा यहाँ सत्संग चल रहा है, वहां कोई मिल गया, अच्छा आप सत्संग में नहीं गए, अच्छा चलो भाई वहीं चल के बैठो। एक औपचारिकता नहीं निभानी है, एक समझ ले करके जाना है कि हमें करना क्या है। यहाँ सुन करके मैं क्या कह रहा हूं, ध्यान देना शुरू कर दीजिए, ध्यान ही तो जीवन है, जहां आप ध्यान देते हैं वहीं से तो आता है। अब ध्यान देखो, इसको इस उदाहरण से बताऊं, एक माली है और कई उसमें पौधे हैं, उनके गार्डन में बगीचे में हरियाली भी है, पौधे भी हैं बड़े छोटे, और वो कुछ पौधों पर विशेष ध्यान देता है, उसकी सिंचाई पर, खाद पर, सुरक्षा पर, और फिर उसकी कटिंग करता है, तराशता है उसको। तो जिन पौधों पर वो ध्यान दिया है वही पौधे तो विकसित होंगे, वही पौधे तो सुंदर लगेंगे, और जिन पौधों को छोड़ दिया, चाहे वो सिंचाई चाहे नहीं हो, सुरक्षा हो ना हो, उसकी पत्तियां डालियां बेतरतीब बढ़ रही हैं, कोई मतलब नहीं है, ध्यान ही नहीं दिया, क्या उन पौधों को देखने में सुंदर लगेंगे, क्या उनका विकास बढ़िया से होगा, नहीं होगा। आपके घर में 8-10 बच्चे मान लो हो, और आप उसमें से 4-5 बच्चों पर विशेष ध्यान देते हैं, उनके खाने पीने पर ध्यान देते हैं,
उनके सोने जागने पर ध्यान देते हैं, उनके स्वास्थ्य पर ध्यान देते हैं, पहनने ओढ़ने पर ध्यान देते हैं, पढ़ाई लिखाई पर ध्यान देते हैं, सब ध्यान देते हैं अच्छी तरह से, उन्हीं बच्चों का विकास होगा। और जिन बच्चों बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिए, कितना विकास होगा? आप अपने जीवन के जिन हिस्सों पर ध्यान देते हैं वही हिस्सा अच्छा होता चला जाएगा। तो आप जब सुबह जब नींद खुले तो ध्यान देना शुरू करिए, किन विचार, कौन से विचार चलने लग गए सुबह सुबह, आप हैरान हो जाएंगे। आप देखेंगे कि व्यर्थ की ही बातें हैं, बिला वजह की ये बातें चलती रहती हैं। आप दिन में भी दो चार बार आप अटेंशन कर दीजिए, थोड़ा सा नोटिस करिए अपने मन के बारे में, अच्छा मैं क्या सोच रहा हूँ। यही तो गुरुदेव जी बार बार बताया करते थे, कबीर की साधना कैसी साधना है, एक साधना एक है सहज समाधि, सुने होंगे ना सहज समाधि, कबीर की पंक्ति, संतोष सहज समाधि भली, गुरु प्रताप भयो जादिन ते सुरति न अंत चली, जहां जहां डोलो सो परिक्रमा, जो कुछ करो सो पूजा, जब सोवो तब करो दंडवत, भाव मिटाओ दूजा, आंख न मूंदो कान न रूंदो, काया कष्ट न धारो, खुले नयन हंसी हंसी पहचानो, सुंदर रूप निहारो, शब्द निरंतर से मन लागा, मलिन वासना त्यागी, उठत बैठत कभू न छूटे, ऐसी तारी लागी, कहत कबीर सहज या रहनी, सो प्रगट करी गाई, दुख सुख से एक परे परम पद, सो पद है सुखदाई। एक लंबा पद है, अब इस पूरे पद के में व्याख्या करने लगूं तो पूरा समय इसी में चला जाएगा, लेकिन मैं ये चीज बताना चाहता हूँ, एक है सहज समाधि और दूसरी है कबीर साहब की सहज साधना। क्या है सहज साधना, क्या है? देखिए बहुत सारी चीजें हैं जो आप लोग जिनकी उपासना करते हैं, पूजा करते हैं, बहुत सारे कर्म कांड करते हैं, उसके लिए आपको क्या करना होता है? बहुत सारी पूजाएं तो ऐसी, जब नहा करके जाओ, साफ कपड़ा पहन के जाओ, फिर समय निकालो, वहां जाओ, फूल पत्ती ले लो, अगरबत्ती ले लो, ये बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन कबीर की साधना कैसी है? सब समय सब जगह। क्या मैंने कहा? सब जगह सब समय, आप कभी भी कर सकते हैं और कहीं भी कर सकते हैं, कभी भी कहीं भी, अर्थात जब आप रास्ता चल रहे हो कर सकते हो, जब आप बिस्तर पर हो कर सकते हो, अच्छा खेत में काम कर रहे हो कर सकते हो, ऑफिस वर्क कर रहे हो कर सकते हैं आप, अच्छा आप स्नान कर रहे हो कर सकते हैं, झाड़ू लगा रहे हो कर सकते हो, अच्छा टॉयलेट में बैठे हो कर सकते हैं, इतना सरल है। लेकिन बात यह है कि करते कितने लोग हैं, ये तो जरा देखें जरा से, इतनी सरल साधना क्या करनी है उसमें? साहब क्या कहते हैं? बस आप कभी भी तीन चार बार, बीच में पांच बार देखो, मेरा मन क्या सोच रहा है, क्या सोच रहा है, और यदि कहीं वो गलत विचार आ रहे हो तो आपको क्या करना है? उसको हटा करके अच्छे विचारों को स्थापित कर देना है। इसको कहते हैं विस्थापन का नियम, बहुत सारे मास्टर बैठे हुए जानते हैं, क्या कहते हैं? विस्थापन का नियम। आप अपने देखिए जीवन को बदलना है तो करना क्या है, एक चीज मैं बताऊं आपको, आप अपने जीवन को बदलना चाहते हैं, बदलना का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है जो जीवन में जो रिजल्ट आ रहा है ना, जिसके बारे में अभी कह रहा था मैं, जीवन में आने वाला रिजल्ट, ये तो बता रहा है, यदि जीवन में रिजल्ट अच्छा आ रहा है, समझ लो आप अच्छा जीवन जी रहे हैं, और लगता है कि नहीं रिजल्ट अच्छा नहीं है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको अपनी एक्टिविटीज में परिवर्तन लाना पड़ेगा, वो कार्यकलाप में परिवर्तन लाना पड़ेगा, तो ही रिजल्ट बदल पाएगा। जैसे आपकी खेत में फसल, और जिस फसल को आप काट रहे हैं उसे आप पसंद नहीं कर रहे हैं, तो क्या करेंगे? आप चाहते हैं कि मैं फसल बदलूं, तो फिर फसल बदलने के लिए क्या करना होगा? अच्छा किसान बदल देंगे, अच्छा पानी बदल देंगे तो चलेगा काम? अरे भाई फसल बदलना है तो बीज बदल दो, सीधी सी बात है, सही है ना? जैसे बीज बदलोगे तो अगली बार में दूसरी फसल आएगी, कौन सा? मन पसंद का, अभी पसंद नहीं है तो मन पसंद का बीज बोलो, कितना इतना सरल है ये चीज को समझना, जीवन को बहुत ही सरल है। यदि आपको वर्तमान फसल पसंद नहीं है, एक स्टोर था कृषि स्टोर, वहां एक बोर्ड लिखा था, उस बोर्ड में यही लिखा था,
जिस फसल को काट रहे हो यदि आप उसे पसंद नहीं करते तो उस बीज की जांच कर लो जिसे आप बोने जा रहे हैं। उस बीज की जांच कर लो जिसे आप बोने जा रहे हो। ऐसा तो नहीं है जिसे आप पसंद नहीं कर रहे हैं उसी का बीज बोने जा रहे हो। क्या करना है? आप बीज बदल दीजिए, बदल दीजिए। कभी भी बीज में बदलाव ला सकते हैं आप। तो बीज का मतलब क्या हुआ? कहां से आ रहा है रिजल्ट? हमारे जो सोच है, विचार है, इससे आप जो सोचते हैं ये एक प्रकार से शुरुआत है, स्टार्टिंग पॉइंट है, प्रथम। यहीं से शुरुआत होती है जीवन की, ये आप समझ लीजिए। जीवन निर्माण की यहीं से शुरुआत होती है। ये एक महात्मा बुद्ध की एक पंक्ति मैं कहूंगा, धम्म पदम उनकी गाथा है। उन्होंने ये पंक्ति कही है, पहली ही गाथा है, मनो पुब्बक गमा धम्मा मनो सेठा मनोमया मनसा चे पदुठे न भासतिवा करोतिवा ततो नम दुख मनवेति चक्कम व बहतो पदम। तथागत बुद्ध क्या कहते हैं कि मनो पुब्बक गमा धम्मा, धम्मा का अर्थ होता है धर्म, लेकिन यहाँ का जो अर्थ है धम्मा का अर्थ है कर्म, कर्म। मन पूर्वगामी है किसके? कर्मों के। अर्थात काम बाद में होते हैं, कार्य बाद में होते हैं, विचार पहले होता है। और इसको थोड़ा सूत्र बताऊं क्या है? विचार कार्य का पूर्वज होता है, विचार कार्य का पूर्वज होता है, पहले जन्मता है वो। जैसे यहाँ आप सत्संग में आए, अच्छा आ थोड़ी गए, पहले सोचे होंगे तब तो आए हैं, या आप सोचे कि यहाँ आने के बाद सोचे अच्छा भाई यहाँ कैसे गया, सोचा ही नहीं, ऐसा नहीं होगा ना। पहले आप सोचे, विचार किए मुझे सत्संग में जाना है और सत्संग में आए, लेकिन सोचे उसके बाद क्या हुआ? फिर लोगों से बताए मुझे सत्संग में जाना है, वार्ता की, और उसके बाद जब कदम बढ़ा तो कहाँ बढ़ा? सत्संग की ओर। तो पहले विचार, फिर आपके शब्द, फिर आपके एक्शन, फिर आपके कार्य। तो सुधार कहाँ करनी है? पहले वही विचार ना, और वही मैं देखने के लिए कह रहा हूँ, वही तो देखने के लिए कह रहा हूँ। हम सब यही तो काम करें। जहां पर विचार है यदि वो गलत है, और गलत विचार है तो इसका मतलब है वो गलत निर्माण होने वाला है। तो क्या करना है? सही, जिससे हमें अच्छा महसूस हो, जो हमें आनंद का अनुभव कराए, जो हमें प्रेम का अनुभव कराए, जो आपस में मैत्री का अनुभव कराए, जो हमें दूसरों की गलतियों को क्षमा करना सिखाए, करुणा का भाव जगे, ये जो हमारे मन में ये महसूस हो, रिजल्ट आए, मुझे स्वास्थ्य का अनुभव हो, मुझे समृद्धि का अनुभव हो, मन की शांति का अनुभव हो, ये तो सही रिजल्ट है। और यही तो हम लोग जीवन में चाहते हैं। आखिर में किसी भी आदमी से पूछोगे तो क्या कहेगा? मैंने भी पूछा था ना, क्यों कमाते हो? अमुक के लिए, इसके लिए, इसके लिए कह करके। किसी भी बच्चे से पूछ लो, क्यों पढ़ रहे हो? यहाँ पढ़ रहे, ये पढ़ रहे, वे पढ़ रहे। अच्छा सब हो गया, तब क्या कहता है वो आदमी? ये सब कुछ मान लो मिल जाएगा, या मिल गया समझो, तब क्या करेंगे? तब इसके बाद तो मैं सुख शांति से जीवन जीऊंगा, यही कहेंगे ना। आप यही चाहते हैं। एक मकान बन गया, बहुत बड़ा मकान बना, बड़ी सी गाड़ी आ गई, एक नहीं दो दो गाड़ी आ गई, अच्छा कपड़े भी मेरे बहुत कीमती हैं, जो कपड़े हम पहनते कीमती हैं, अच्छा भोजन की भी क्वालिटी बहुत अच्छी है, बैंक बैलेंस भी पर्याप्त है, बच्चे भी अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं, सब कुछ बढ़िया है। अब ये सब हो गया, अब क्या होगा? यही तो चाहेंगे, अब सुख शांति का जीवन जीऊंगा। लेकिन जो सुख शांति का जीवन जीऊंगा कह रहे हैं सारी कुछ करके, तो अंतिम औलत रह जाता है सुख शांति वाला, बाकी सब तो हो ही जाता है, हो ही जाता है कमी बेसी, और उसके बिना वो सब व्यर्थ है, सब व्यर्थ है। बहुत बड़ा मकान हो और मन जल रहा हो, क्या काम का है? छोटा मकान होता और मन खुश रहता। बहुत बड़ी जगह, बहुत बड़ी गाड़ी है, लेकिन परिवार में टूटन है, आपस में नफरत और द्वेष है, संघर्ष है, कटुता है, क्या मतलब निकलता है? कोई आनंद आएगा? बहुत सारी खाने पीने की चीजें हैं, डॉक्टर ने कहा ये बीमारी में इसको नहीं खाना है, तुम मीठा छू ही नहीं सकते, क्या होगा? अच्छा गन्ने की खेती कर रहे हैं, अच्छा मीठा खा ही नहीं सकते, क्या कर रहे हो आप?
ध्यान देना है। क्या आप ध्यान दिए उस पर? क्या आपने स्वास्थ्य पर ध्यान दिया? क्या आपने संबंधों पर ध्यान दिया? ध्यान नहीं दे। मैंने कहा जहां ध्यान देंगे वही विकास होगा। तो सब पहली बात मैंने क्या कहा, विचार। आप अपने विचारों को ध्यान देना शुरू करें, विचारों पर ध्यान देना शुरू करें। और उसका तरीका बताया, सहज साधना। आप मत कहिए मुझे समय नहीं मिलता है। आपको क्या करना है, कोई भी काम करते हो, झाड़ू लगाते हो कोई बात नहीं, बर्तन मांज रहे कोई बात नहीं, बीच में थोड़ा सा ख्याल करना है, मन क्या सोच रहा है, अच्छा विचार है ना मन में, सबके प्रति अच्छा भाव जग रहा है। ऐसा तो नहीं कि गलत विचार आ रहे हो, किसी के लिए नफरत हो, द्वेष हो, वो नुकसान करेगा। क्यों कह रहा हूं मैं नुकसान करेगा? आप समझ रहे हैं इस चीज को, इस सिद्धांत को, इस नियम को? ये जीवन का गणित है, गणित। और जीवन का मतलब कुदरत का नियम है। हमारा जो मन है ना सोचता है, मन अब इसका विस्तार तो करने के पास मेरे पास अवसर नहीं है। एक चेतन मन, दूसरा अवचेतन मन, कॉन्शियस और सब कॉन्शियस माइंड जिसको कहा जाता है। चेतन मन का मतलब है जो सोचता है, गुणाभाग करता है, काट छाट करता है। लेकिन जो अवचेतन मन है जिसको हम अंतकरण कर रहे हैं, हाँ, वो सोचता नहीं है। कैसे? जैसे एक किसान हो और खेत हो, ध्यान देना, किसान और खेत। किसान स्वतंत्र है कि कौन सा बीज बोऊं, खेत नहीं है स्वतंत्र। लेकिन जो किसान बो देगा, खेत उसी को बाहर प्रकट कर देगा। जो बो दे, यदि वो गेहूं बोया, गेहूं प्रकट कर देगा, मक्का बोया, मक्का प्रकट, जो भी बोएगा, बोने वाला कौन है स्वतंत्र? किसान। हमारा जो मन हम सोचते रहते हर समय, ये स्वतंत्र है। और वो जो बो दिया वो गिरेगा निश्चित। जैसे आप गिरा वहां नीचे जा करके, वो काम किया, वो काम किया। जैसे हम आज तक बने कैसे हैं, इसी के आधार पर तो बने हैं, इसी के आधार पर तो बने हैं। हमकी एक प्रोग्रामिंग हुई है, वो परिवार वालों को देख करके, लोगों से सुन करके, टीचर से सुन करके, मित्रों से सुन करके, पुस्तक पढ़ के, मोबाइल देख के, टीवी देख करके, अखबार पढ़ के, जो भी हमने किया आज तक के, वो सब का संग्रह है भीतर। और उसी के अनुसार हमारा जीवन चल रहा है, उसी के अनुसार से। अब उसमें बदलाव करना, यदि वो ठीक ठाक नहीं है तो बदलाव कर दो। आप बदल सकते, यही तो मनुष्य की विशेषता है, यही तो विशेषता है। मनुष्य कभी भी पशु नहीं बदल सकते, पक्षी नहीं बदल सकते, आप बदल सकते हैं। आप जब चाहें अपना रास्ता बदल सकते हैं। नहीं, इस रास्ते में मुझे नहीं जाना है, मुझे इस रास्ते में जाना है। जैसे ही पता चला ये आपका खाना गलत है, आप छोड़ सकते हैं। आपका पीना गलत है, आप छोड़ सकते हैं। आपका स्वभाव में ये गलती है, आप चाहें तो छोड़ सकते हैं, छोड़ सकते हैं। जैसे मैं अभी बोल रहा हूं और किसी साथी ने आकर कहा, आपके प्रवचन में जो उच्चारण संबंधी दोष है, प्रोनंसिएशन जो है ना, आप जो बोलते हैं तो ये शब्द आपके मुंह से साफ नहीं निकलते, या गलत अशुद्ध निकलते हैं। अब मुझे क्या करना है? अब उस पर ध्यान देना है और उसे अकेले में भी अभ्यास करना है। ये शब्द सही निकले, ये शब्द सही निकले, और फिर प्रकट में भी वही होगा। बस वही तो करना है सबको, आप सबको, हम सबको वही करना है। तो क्या करना है? वो ध्यान देना है, कैसे विचार आ रहे हैं, तो विचार ठीक होने लगेंगे। शब्दों पर ध्यान देंगे आप, मेरे मुंह से जो शब्द निकल रहे हैं वो कैसे हैं? ऐसा नहीं कि दूसरों को तकलीफ देने वाला हो। अब जब जान बूझ करके आप निकालेंगे उसको तकलीफ हो, तब तो बातें अलग है, तब तो बातें अलग है। वही कह रहे तथागत बुद्ध ने क्या कहा, मनोपुपगमा धम्मा, ये पूर्वगामी है। पहले विचार आता है और क्या होता है? उन्होंने एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया है, जब मन में दुष्ट भाव रख करके बोलते हैं, मनसा चे पदुठे न भासतिवा करोतिवा, मन में दुष्ट भाव रख करके आप बोलते हैं, भाषणा बोलना और करोति करना। जब आप मन में दुष्ट भाव रख करके बोलते, कटु बोलते, दुष्ट भाव रखना मतलब ही आपके मुंह से ऐसा निकलता है कड़वाहट, जैसे भीतर ही कि उनको कष्ट हो, ऐसा शब्द ही बोला गया कि ताकि सामने वाले को कष्ट हो, ऐसा प्रयास ही किया गया कि कष्ट हो। चाहे आप किसी को थप्पड़ मार रहे हो, किसी को कुछ कर रहे हो, डंडा मार रहे हो, तो प्रयास क्या मन में कि मैं ऐसा कुछ करूं कि उसको तकलीफ हो। यही तो ना, दुष्ट भाव रख करके आप बोलते हैं, करते हैं तो क्या होता है?
उन्होंने कहा है कि मनसा चे पदुठे न भासति वा करोति वा ततो नम दुख मनवेति, उसके पीछे दुख उसी प्रकार लग जाता है जैसे गाड़ी खींचने वाले जानवर के पीछे पहिया। बैलगाड़ी सभी जानते हैं, यहाँ बैठे भाई लोग हैं, गाड़ी को कौन खींच रहा है? बैल। अब पहिया कहाँ है? उसी के ठीक पीछे, और वही उसको पीछे से चोड़ देने के लिए तैयार है। ख्याल होगा पहले जब कहीं गाड़ी छोटी हो गई, बैल की साइज बड़ी है तो उसके पैर पीछे वाले पैर छिल जाते थे। छत्तीसगढ़ में कहते हैं चाक लग गया, कहते थे, याद है कि नहीं? क्यों, कहां से लगा? वही पहिया है। यही है तकलीफ। क्या है वो बीच? क्या है जो हमने सोचा और फिर जो बोला और जो किया वो लौट करके आया है। कोई दिया नहीं है, वो आया है। इसलिए यही ठीक करना है, यही ठीक करना। और ये जब ठीक करते हैं तो आपके जीवन में परिणाम अच्छे आने लगते हैं। तो मैंने बीच में ये बात कही थी कि जीवन में जो संपदा है, कितनी बड़ी संपदा हमको मिली हुई है, क्या हम इसका सही उपयोग कर रहे हैं? यदि सही उपयोग करेंगे तो सही रिजल्ट आएगा, और नहीं तो फिर ये बर्बाद होता चला जाएगा। तो मैंने कहा ध्यान दो। कहाँ ध्यान देना है? सोच रहे उस पर ध्यान दो, बोल रहे उस पर ध्यान दो, कर रहे उस पर ध्यान दो, और फिर उसमें सुधार होता चला जाएगा, क्योंकि गलती छटती चली। मैंने कहा ना विस्थापन का नियम, वो छटनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि जान बूझ करके फिर गलती नहीं होगी, क्योंकि पता है कि ये गलत होने वाला है। जैसे कोई भोजन ले जा रहा हो आपके लिए और भोजन रख दिया गया, किसने कहा उसमें जहर मिला है, ऐसे छोड़ने में कितना समय लगेगा? खाएंगे? अरे नहीं खाएंगे भाई। आपको जिस दिन पता चला ये जो मैं सोचता हूँ ना गलत, ये मेरे ही भीतर गिर रहा है, उसी का सर परिणाम मिलता है, वही बीज आता है। दूसरों को पता नहीं कब मिलेगा, लेकिन मेरे अंदर गया वो गिरा खेत में वो उगेगा। बस सावधान, मैं दूसरे कांटा नहीं बो रहा हूँ, खुद के लिए कांटा बो रहा हूँ। और फिर जब खुद के लिए जो कांटा बोएगा वो दूसरों के लिए भी बोएगा, ये जान करके चलो। लेकिन जो दूसरों के अपने लिए फूल बोएगा तो दूसरों के लिए भी हो जाएगा। अच्छा, अपने घर में आप कांटा लगा दिए तो कांटे बिखरेंगे ना, तो आपका नुकसान होगा ही, आजू बाजू वाले का भी नुकसान होगा। अच्छा, फूल बो देंगे तब सुगंधी आएगी, आपको मिलेगी। अच्छा, दूसरों को आप कहेंगे मेरी सुगंधी मत लेना। अरे भाई लेना क्या है, वो तो आ रही है अपने आप, है कि नहीं है? तो आपके अंदर जो अच्छाई होगी वो कहाँ जाएगी? बाहर फैलेगी। और यदि बुराई होगी तब वो भी फैलेगी, लेकिन कैसे? चुभने वाली होगा आपका जीवन, चुभने वाला। क्या करना है? कांटा नहीं, फूल बिखेरना है। ये जीवन का निर्माण, और तभी सत्संग की सार्थकता है, तभी धर्म की सार्थकता है। नहीं तो गए मंदिर में पूजा किए, पाठ किए, मंत्रोच्चार किए, माला फेरे, आरती किए, आए और घर में तांडव शुरू, तो पूजा के क्या मतलब है? सही है ना? कोई मतलब का है? वो दिखावा है। ये केवल दिखावा से जीवन नहीं बदलेगा, जीवन आपको मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाकर के जीवन बदलता है। और जब सच में शुरू में क्या कहा था, क्यों जी रहे हैं, प्रश्न उठाया था, क्यों खा रहे हैं, क्यों जी रहे हैं, तो किसी ने कहा ना कि मर नहीं रहे इसलिए जी रहे हैं। अरे मरने का क्या इंतजार कर रहे हो? क्योंकि वो अपने आप आने वाले, मृत्यु आने वाली है। मेहनत करोगे और वो जो सृजन करोगे जीवन का, वो रिजल्ट लाएगा वो। और सृजन आपने किया, जीवन को ऐसा निर्मित किया, अब दुख का नामो निशान नहीं, आनंद का अनुभव हो रहा है, प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है, अपनों के बीच में प्रेम का अनुभव हो रहा है, कालुष्यता नहीं, अंदर में कड़वाहट नहीं है, मधुरता। और जो आपके भीतर की मधुरता छलकेगी बाहर जाएगी। जीवन को इस प्रकार से बनाना है। ये कुछ बातें मैंने कही, समय पूरा होता है। शाम के सत्र में मैं थोड़ा इस पर और थोड़ा क्लियरिफाई करना चाहूंगा, सचमुच जीवन कैसे जिए, और उसके लिए हमको इन्हीं सब बिंदुओं को लेकर के थोड़ा मैं और अधिक विश्लेषण करना चाहूंगा कि सचमुच जीवन को कितना अच्छा बना सकते हैं हम। इस समय यहीं पर हम विराम लेते हैं। बोलिए सतगुरु देव की जय।